हे गाइस, आज हम आपके लिए कॉटन के कुछ ऐसे फैक्ट लेके आए हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे इट्स इम्पॉसिबल। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर वन, इस दुनिया पर 1% से कम कॉटन ऑर्गेनिक है। आपने तो ऑर्गेनिक कॉटन के बारे पे सुना ही होगा। यह एक ऐसा रेयरेस्ट फाइबर है जिसे एक स्पेशल कंडीशन पे ग्रो किया जाता है। ऑर्गेनिक कॉटन को ग्रो कराते टाइम इस पे ना तो किसी केमिकल का यूज़ किया जाता है, ना किसी पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, जबकि रेगुलर कॉटन दुनिया के 16% पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक कॉटन की एक ही प्रॉब्लम है कि इसकी प्राइस रेगुलर कॉटन के मुकाबले बहुत हाई होती है। फैक्ट नंबर टू, GMO कॉटन की टेक्निक लगभग सारी कंट्री द्वारा अडॉप्ट कर ली गई है। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना होगा कि GMO कॉटन क्या होता है। यहाँ GMO का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड। पिछले 20 सालों से कॉटन इंडस्ट्रीज में कई सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जिनमें से एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। इसमें प्लांट में इस तरह के जीन्स डाले जाते हैं ताकि यह एक ऐसा प्रकार का प्रोटीन बना सके जिससे कि अगर कोई इंसेक्ट इस प्लांट को खाता है या हार्म पहुंचाता है तो वह मर जाता है। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि कॉटन को कुछ लोग खाते हैं? यह सुनने पर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सच है कि कुछ लोग कॉटन को अपनी डाइट पर लेते हैं। वे इन्हें जूस के साथ लेते हैं। ऐसा करने के पीछे कारण है कि उनका पेट भरा हुआ रहे और वह ज़्यादा कैलोरीज वाला खाना ना खाएं। कॉटन पर 0 कैलोरीज रहती हैं। जनरली कॉटन डाइट को ओवरवेट पीपल द्वारा ली जाती है, लेकिन कॉटन डाइट लेना खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि कॉटन को कई केमिकल्स द्वारा तैयार किया जाता है। साथ ही कॉटन सेलुलोज बनाता है जो कि ह्यूमंस द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। इस कारण से डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक भी हो सकता है, जबकि मवेशी जानवर इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि सेलुलोज को शुगर में कन्वर्ट कर सकता है। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है कि इजिप्शियन कॉटन दुनिया का सबसे ज़्यादा लग्जीरियस कॉटन है? हाँ, आपने सही सुना। इजिप्ट की सॉइल और क्लाइमेट के कारण यह एक ऐसा कॉटन पैदा करने पे सक्षम है जिससे कि एक यूनिक टाइप का धागा बनाया जाता है। इतना अच्छा कॉटन होने के कारण इसकी कीमत बहुत हाई होती है, और अगर आप अगली बार बेडशीट खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इजिप्शियन कॉटन से बनी हुई बेडशीट को ट्राई कर सकते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, क्लाइमेट चेंज कॉटन क्रॉप के लिए ज़रूरी नहीं है कि खराब ही होगा। क्लाइमेट चेंज कई सारी फसल को बर्बाद कर देता, लेकिन जब बात कॉटन की आती है तो यह इसके लिए लाभकारी साबित होता है क्योंकि कॉटन एक ऐसी फसल है जिसे पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है और गर्मी की भी बहुत ज़रूरत होती है। ह्यूमिडिटी वाला टेम्परेचर इस फसल के लिए बेस्ट माना जाता है। कॉटन क्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर उगाई जा सकती है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपके लिए एक बोनस फैक्ट तो बनता है। कॉटन प्लांट पर कोई भी वेस्ट नहीं होता, सारे प्लांट का यूज़ कर लिया जाता है। हमें कमेंट पर लिख के बताइए कि आपको किस किस चीज़ों के फैक्ट जानने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉटन फैक्ट्स के यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।